पहले गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपका, यहाँ पर टॉपिक का नाम है ग्राफ थ्योरी। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है बेसिकली बच्चों, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चलिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि ये जो टॉपिक्स हैं जैसे ग्राफ थ्योरी हो गया, तो बेसिकली डीएस का भी पार्ट है ये। डीएस में भी यहाँ पे यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, जो कि ग्राफ के क्वेश्चन, एल्गोरिथम में ग्राफ के क्वेश्चंस आप लोग बनाते हैं, उसमें भी यूज होता ही है, ठीक है। तो जो एक नॉलेज गैप रहता है, बोल सकते हैं आप ग्राफ के बीच में, और अब डीएस उधर पढ़ते हैं तो अपने टाइप के ग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं, उसकी वेराइटीज वहाँ पे आप नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे आप, बहुत सारी वेराइटीज पढ़ेंगे आप, और इससे आप विजुलाइज कर पाएंगे कौन सा ग्राफ बेस्ट ग्राफ है, कौन सा ग्राफ आपका वर्स्ट ग्राफ है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे बीएफएस पढ़ते हैं, डीएफएस पढ़ते हैं, तो बीएफएस और डीएफएस के लिए कौन सा ग्राफ बेस्ट है, कौन सा ग्राफ वर्स्ट है, किस में ज़्यादा स्पेस लगेगा, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हम लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वहाँ पर, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी टॉलर्स राइज होता है वहाँ पर, कि लोग नहीं बता पाते हैं उसका आंसर, चूँकि नॉलेज गैप रहता है। तो वो नॉलेज गैप यहाँ से फिलअप हो जाएगा इस टॉपिक से। इसका यूज़ सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर में भी है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं, तो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में भी, तो आप वहाँ पे जब क्या बोलते हैं, राउटिंग पाथ वगैरह, एल्गोरिथम वगैरह, राउटिंग एल्गोरिथम वगैरह फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे भी ग्राफ कंसेप्ट यूज होता है। मतलब इसका इंपॉर्टेंट काफ़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आप देखेंगे अप्लीकेशन होते हुए। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, अपना बेसिस बनाए रखना है, ठीक है, और कंटिन्यू लगे रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिगन करते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग यहाँ पे चैटिंग में डालिएगा, वहाँ से मैं पिकअप कर लूँगा आपको कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे डेफिनेशंस क्या होता है, ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ का डेफिनेशन आपको मालूम है यहाँ पर, कि ग्राफ बेसिकली क्या होता है आपका, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ क्या होता है, वर्टाइसेस एंड एजेस, कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, ठीक है। ग्राफ थ्योरी बहुत से लोगों रहता है सर किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए भी एक बुक्स आती है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, देव नर्सिंग करके एक बुक आती है, ठीक है। तो उस बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो उस बुक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और देव नर्सिंग करके बुक है, ग्राफ थ्योरी की बुक है, स्पेशली ग्राफ थ्योरी के लिए होती है। और एक बुक आती है जिसको लोग बोलते हैं कनाट रूजन, ये भी बुक बहुत अच्छी है अपने लिए। तो सिर्फ स्पेशली आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, तो नर्सिंग देवो की जो बुक है उसको फॉलो करिए आप, जो ग्राफ थ्योरी के लिए बुक्स आती है यहाँ पर, नर्सिंग देवो, इस बुक को फॉलो करिए। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है तो रोजन की बुक आती है, इसको फॉलो करिए आप, ये बुक्स अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको जरूर पढ़िए आप लोग एक बार। इससे आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो सभी डाउट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिगिन करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ थ्योरी के में कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ के डेफिनेशन ऑलरेडी आपको मालूम है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं ग्राफ को, भाई 10 मिनट पहले आप लोग लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया करिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब क्लास स्टार्ट होने के बाद लोग कहानी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो नहीं हो पाएगा ना फिर, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा किसी भी हालत में, क्योंकि तो क्लास एक बार स्टार्ट हो गई और उसके बाद आप मैसेज कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट मत करिए कि यहाँ पर फिर हेल्प हो पाएगी, क्योंकि कैसे कर पाऊँगा भाई, मैं क्लास लूँ कि अब आपके लिए करूँ। तो स्टार्ट में ही आप लोग क्या करिए करिए, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है लिख दिया ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों सभी को, एक बार आप लोग चैटिंग में देख लीजिए, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वॉइस क्लियर है, ओके, चलिए शानदार, चलो बिगिन करते हैं हम लोग।
यहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि ग्राफ को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ को आपको मालूम है ग्राफ का मतलब क्या होता है। आप शांति सुनते रहिए, आप लोग जब चैटिंग करने की ज़रूरत होगी तो करिएगा आप लोग। ग्राफ थ्योरी मतलब आप गेट में निकालेंगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि हम लोग ग्राफ को डिफाइन करें कि व्हाट इज ग्राफ, तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है आपका, पेयर ऑफ क्या बोलेंगे आप, वर्टाइसेस एंड एजेस। एक ग्राफ नोट्स आप बना सकते हैं साथ में हमारे, ए ग्राफ जी इज डिफाइंड बाई पेयर VE, डिफाइंड बाई पेयर VE, वेयर आपको मालूम है वेयर V क्या होता है आपका, सेट ऑफ ऑल वर्टेस इन जी, आ तो से बेसिक ही रहेगा। ठीक है, और आपको मालूम है जो सेट ऑफ एजेस वर्टेस है इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नोड्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो वर्टिस बोलिए, नोड बोलिए, पॉइंट बोलिए, सब एक ही चीज है यहाँ पर। और दूसरा होता है यहाँ पर ई, ई फॉर होता है आपका सेट ऑफ ऑल एजेस, सेट ऑफ ऑल एजेस, सेट ऑफ ऑल एजेस इन ग्राफ, इन ग्राफ। तो ग्राफ जैसे यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया कि ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ लिया मैंने, तो यहाँ पे से ए लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया भाई। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो भाई वर्टेस क्या है, वर्टेस का सेट यहाँ पे देखें तो ए है, बी है, सी है, डी है, ये वर्टेस है ऑलरेडी आपको मालूम है। एजेस भी आपको मालूम है यहाँ पे एजेस क्या है, तो एजेस बच्चों यहाँ पे आपको मालूम है ए बी एज है आपका, देन ए डी भी एज है आपका, इसके बाद बी सी आपके पास एज है, ठीक है, बी डी आपके पास एज है और डी सी आपके पास एज है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ए बी लिखे या बी ए लिखे दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम, डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। तो एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसके अंदर में जो मेन पॉइंट्स है कि यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जैसे आपसे बोला जाए फाइंड साइज ऑफ ग्राफ या फाइंड ऑर्डर ऑफ ग्राफ, तो हाउ टू फाइंड, ठीक है, यदि आपको बोला जाए कि आपको फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ, फाइंड ऑर्डर ऑफ ग्राफ, तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ आपको फाइंड करना है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द ग्राफ, नंबर ऑफ वर्टिस इन ग्राफ, कि ग्राफ के अंदर में कितने वर्टिस हैं, वही आपका क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ ग्राफ इंडिकेट करेगा। तो कितने वर्टेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 वर्टेस है, तो ये आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ है। सिमिलरली यदि आपको सेकेंड वर्ड पूछा जाता है यहाँ पर, साइज ऑफ ग्राफ बताइए आप, क्या बताइए आप, साइज ऑफ ग्राफ बताइए आप, तो साइज ऑफ ग्राफ का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ, नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ, इन ग्राफ इक्वल टू क्या लेंगे आप, एजेस यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5, 5 एजेस है, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से आप यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्राफ बाय फाइंड कर सकते हैं, और क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, आप साइज ऑफ ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोट में आप दिमाग में क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए सभी लोग, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो क्या मिला हमें यहाँ पर पॉइंट, कि यहाँ पे जो वी, इसको मॉड लगा दिया, नंबर ऑफ वर्टेस होता है, इसको नंबर ऑफ वर्टेस होता है बेसिकली यहाँ पे हमेशा इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ ग्राफ को, ऑर्डर ऑफ ग्राफ को इंडिकेट करता है, और नंबर ऑफ एजेस जो होता है, ई जो होता है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस ऑलवेज इंडिकेट करता है साइज ऑफ ग्राफ, साइज ऑफ ग्राफ को इंडिकेट करता है। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
है, ग्राफ आपको मालूम है कई टाइप के होते हैं यहाँ पर, जैसे आपका ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ आपको मालूम है कि जिसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, यहाँ पर ठीक है बच्चों, किसी भी टाइप का इशू, यस यस यस, आप लोग यस क्यों लिख रहे हैं बता सकते हैं, नो इशू, ओके, वॉइस क्लियर है, फाइन है, ओके डन। चलिए फिर आराम से सुनते जाइए, जब बोलो तभी चैटिंग करिए, आराम से चैटिंग के ऊपर बैठे रहने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट को कॉपी में लिखिए, अदरवाइज कंटेंट छूट जाएगा और चैटिंग होती रहेगी, और चैटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। तो जब मैं बोलूँ तब आप लोग वर्कआउट करिए चैटिंग के ऊपर, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ तो, अदरवाइज शांतिपूर्वक कॉपी में लिखते रहिए और ध्यान देते रहिए, अदरवाइज आप डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और डाइवर्ट हो गया तो फिर इशू जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि आपको मालूम है कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो एक ग्राफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्टेड ग्राफ। बहुत पेशेंस बना के रखिए आप लोग, तभी अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। भले आपको आता होगा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा ना सोचे कि टाइम यहाँ पे खराब हो रहा है, तो आराम से करिए। कुछ लोग 10-15 मिनट लेट आएंगे तो उनके लिए मैं भी क्या कर पाऊंगा यार, ये लोग बहुत परेशान करते हैं भाई लोग इतना। फिर उसके बाद ग्रुप में लिखेंगे, अगली क्लास से ऑफ करके बैठूंगा मोबाइल में, 5 मिनट पहले आने में क्या दिक्कत है आपको, 10 मिनट आने में क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेटेड ग्राफ, क्योंकि आप 10 मिनट पहले आएंगे, 5 मिनट पहले आएंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉल करिए, मैसेज करिए, तो इंटरटेन करूंगा। वो आप सोचेंगे कि अब क्लास के बीच में रोक के करना तो सबका नुकसान है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डायग्राफ, डाटेग्राफ यार, डायाग्राफ। तो डायग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे जितने भी रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूँ यहाँ पे, तो एक ग्राफ लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे एजेस होंगे, यहाँ पे एजेस होंगे, जैसे आपने एजेस लिया, ये क्लियर, ये आपकी एजेस है, और डायरेक्टेड है सबके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डायरेक्शन है, सी डी ऐसा लिया आपने। यदि हम लोग यहाँ पे वर्टेस की बात करें तो वर्टेस तो सेम है, ए बी सी डी, ये आपके वर्टेस है, ठीक है। और आपकी एजेस की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एजेस यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, क्या ऑर्डर, यहाँ पे ए बी है तो बी ए नहीं लिख सकते आप, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पे बिल्कुल आप बोल सकते हैं बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों डिफरेंट है भाई, आप नहीं ले सकते इनको, ये ऑर्डर पेयर है, ये क्या है आपके, ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है, अनऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है, ए से बी, ए से सी कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। देन सी से डी, सी से बी, ठीक है, देन बी से डी, बी से डी, ये आपके ऑर्डर पेयर है, क्लियर पॉइंट बच्चों। यहाँ पे इसकी डिफिनेशंस की बात करते हैं हम लोग, डायरेक्टेड ग्राफ के डिफिनेशन की बात करें तो इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि इट इज डिफाइंड एज इन डायरेक्टेड ग्राफ, इन डायरेक्टेड ग्राफ ईच इज रिप्रेजेंटेड, इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू वर्टाइसेस, ऑफ टू वर्टाइसेस, वर्टाइसेस, ठीक है।
डेट इज मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि वी आई कॉमा बी जी लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो आपका पाथ है फ्रॉम वी आई से वी जे है, एंड इज फ्रॉम बी आई टू वी जे, ये आपका एज है यहाँ पर। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो आपने पहले भी आपने किया हुआ है, इसलिए हम लोग बिल्कुल यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हेयर ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, हेयर ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्डर यहाँ पर, इम्पोर्टेंट मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मान लो ये आपका E1 है, तो E1 इक्वल टू आपके पास है यहाँ पर ए बी, ए कॉमा बी, बिल्कुल नहीं लिख सकते आप यहाँ पर बी कॉमा ए, ये डिफरेंट है, ये अलग है। ठीक है, ये तो बात एडजस्ट ही नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेट इट इज, या आप इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर कहीं पर ऐसा लिखा है ए कॉमा बी और डायरेक्टेड बोला गया है, तो हमेशा दिमाग में सेव कर लीजिए आप लोग कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है ए टू बी है। यदि यहाँ पे ऐसा बोला गया बी ए बोला गया है, तो दिमाग में बिल्कुल सेव कर लीजिए ये जो डायरेक्शन है भाई, मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी से ए है, ये डिफरेंस है, इसलिए बोला जाता है कि दोनों इक्वल नहीं है। अब क्लियर हो गया और आपको, तो डेट इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। दूसरा होता है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, आज सिर्फ थ्योरी चलेगी, क्योंकि जब तक हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स नहीं पढ़ लेते तो आगे पढ़ना थोड़ा बेमानी रहेगी। भले आपको आता है, सुनते रहिए, लिखते रहिए, एक परफेक्ट नोट बनाते रहिए अभी, कि नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा बच्चों, एक चीज और, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ पे, कि जब हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ में गए थे यहाँ पे इसके अंदर में यहाँ पर, ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम लोग ऑर्डर निकालें या यहाँ पर हम लोग साइज निकालें, तो क्या कुछ चेंजेस होगा? क्वेश्चन में आ सबको, यदि हम लोग अब आप लिख सकते हैं, क्या कोई चेंजेस होगा कि सेम फॉर्मूला यूज होगा? ठीक है, बिल्कुल सेम यूज होगा, कोई चेंजेस यूज नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट, सही है आप लोग, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड में यहाँ पे था अपना नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर होता है, यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखें बच्चों, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये बोलता है द एलिमेंट ऑफ ई, ई फॉर सेट ऑफ एजेस आर अनऑर्डर्ड, आर अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, ऑफ वर्टाइसेस, इन दिस केस एन इज यू कॉमा बी इज सेट टू बी बिटवीन यू एंड बी और ज्वाइन यू एंड बी। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लें बच्चों, यहाँ पे कि एग्जांपल लिया मैंने कि यहाँ पे ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग सेट ऑफ वर्टिस देखें ए कॉमा बी कॉमा सी, और एजेस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी ए सी और बी सी, ये सारी एजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे आप इस केस में इन अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर में ए कॉमा बी लिखिए या बी कॉमा ए लिखिए, दोनों सेम है, जो कि अनडायरेक्टेड है, दोनों सेम है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी लोग?
तो अब यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है ऑर्डर का और साइज का, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है बच्चों, सेम यहाँ पे ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे यदि आपको बोला जाए कि ऑर्डर भाई निकालो, ऑर्डर ऑफ ग्राफ, तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ मीन्स सेट ऑफ वर्टिस इन द ग्राफ थ्री, और साइज बोला जाए आपको निकालना है, साइज ऑफ ग्राफ खेलना है आपको, तो नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अनडाइटेड ग्राफ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ पे कि अनडाइटेड ग्राफ किसको बोला जाता है। ठीक है, और भी ग्राफ होते हैं, जैसे ग्राफ होता है आपका, नेक्स्ट जो ग्राफ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं नल ग्राफ, कि नल ग्राफ क्या होता है। नल ग्राफ, तो नल ग्राफ का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है यहाँ पर देखिए बच्चों। ठीक है, कोई बता सकता है सर नल ग्राफ क्या होता है, कोई भी चैटिंग में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नल ग्राफ। ठीक, ग्राफ विथ नो एजेस इज कॉल्ड नल ग्राफ, नो एजेस, जीरो एजेस। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, शानदार। ठीक है, तो बच्चों क्या वर्टिस भी जीरो ले सकते हैं हम लोग, वर्टिस भी जीरो ले सकते हैं? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। नो नो नो, मैक्सिमम लोगों का आंसर नो है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। तो वर्टिस एटलीस्ट वन होना चाहिए नल ग्राफ में। तो एक ग्राफ या ए नल ग्राफ ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर एन इज ए ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस, विथ एन वर्टाइसेस एंड नो एजेस, नो एजेस। ठीक है, एन वर्टाइस एंड नो एजेस। ऑर्डर का मतलब होता है भाई, ऑर्डर एन का मतलब क्या होता है, एन वर्टाइसेस, यहाँ पे लिखे ना, ऑर्डर ऑफ ग्राफ मतलब नंबर ऑफ वर्टेस। ठीक है, विथ नो एजेस, सिंपल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं नल ग्राफ के बारे में, ग्राफ विथ नो एजेस इज नोन एज नल ग्राफ। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन के हम लोग देखें यहाँ पर, तो सिंपली ऐसा लिख सकते हैं आप, ग्राफ विथ नो एजेस इज कॉल्ड नल ग्राफ, नल ग्राफ, नल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इस तरह से लिया ग्राफ, ये आपका ग्राफ है, ए है, बी है, सी है और डी है। ध्यान रखिए आप लोग, नंबर ऑफ वर्टिस ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू वन, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू वन, जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, बट नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमेशा आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे लोग एन ऑर्डर लिए तो एन होगा, तो एन ग्रेटर इक्वल टू वन, बट जो एजेस होंगे, नंबर ऑफ एजेस है यहाँ पर ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड नल ग्राफ। अब क्लियर हो गया सभी को कि नल ग्राफ किसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, तो ग्राफ विथ नो एजेस इज कॉल्ड नल ग्राफ। बच्चों क्या हम लोग नल ग्राफ को एम्प्टी ग्राफ बोल सकते हैं? एम्प्टी ग्राफ नहीं बोल सकते हैं? तो आपके लिए आप होमवर्क है यहाँ पर कि फाइंड करिएगा आप लोग कि नल ग्राफ को क्या एम्प्टी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका होमवर्क है, सभी लोग निकालेंगे और बताएंगे मुझे ग्रुप में कि बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट ग्राफ है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ए नल ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ, ए नल ग्राफ विथ ओनली वन वर्टिस, विथ ओनली वन वर्टिस इज कॉल्ड
ट्रेवियल ग्राफ। जरा कॉपी लिया हम। ठीक है, नल ग्राफ, क्लियर पॉइंट, सभी लोग साइलेंट में रहेंगे। तो नल ग्राफ क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग बनाए, इसमें ले एग्जांपल ले हम लोग, यहाँ पे जैसे इसको लिया आपने, नंबर ऑफ वर्टिस ऑलवेज वन बट नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू जीरो, डेट इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। लूप, कि लूप क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या बोलता है, एन इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए वर्टिस या पॉइंट बोल सकते हैं इसको आप, टू इट सेल्फ, टू इट सेल्फ इज कॉल्ड ए लूप। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ लिया, डेट इज कॉल्ड लूप। ठीक है, ये आपका लूप है, मान लो ये आपका ए वर्टेस है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। लूप की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो लूप मान लो ये ई वन है, इसको मान लेते हैं, इसको ई टू मान लो, इसको ई थ्री मान लो, इसको ई फोर मान लो, इसको ई फाइव मान लो, तो लूप आपका ई फाइव है। ये वर्टिस के फॉर्म में इसको लिखें तो बी टू बी, बी टू बी, इसको हम लोग बोलते हैं लूप। ठीक है, क्लियर पॉइंट, सेल लूप इसी को बोला जाता है, क्लियर, यहाँ पे सभी को कि लूप किसको बोलते हैं। तो एक वर्टिस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक एज क्या हो रहा है, सेम पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, तो डेट इज कॉल्ड लूप। नेक्स्ट जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पैरेलल एजेस, ये सब आगे यूज होने वाले हैं इसलिए इनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस भी आपको मालूम है, पैरेलल एजेस का मतलब क्या हुआ कि इसी को लोग मल्टीपल एजेस बोलते हैं, कि सेम दो पॉइंट है और दो पॉइंट को आप मल्टीपल एजेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको लोग बोलते हैं पैरेलल एजेस। ठीक है, तो मल्टीपल एजेस, तो इन ए ग्राफ, इन ए ग्राफ इफ ए पेयर ऑफ वर्टिस, पेयर ऑफ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ वर्टिस या वर्टाइसेस आर अलाउड, आर अलाउड टू ज्वाइन बाई, ज्वाइन बाई मोर देन, मोर देन वन एज, मोर देन वन एज, देन दोज एजेस आर कॉल्ड, देन दोन एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस, एंड रिजल्टिंग ग्राफ, एंड रिजल्टिंग ग्राफ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मल्टीग्राफ। जिस ग्राफ के अंदर में पैरेलल एजेस अवेलेबल रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, मल्टीग्राफ। बहुत सिंपल है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, ऐसा एग्जांपल लिया आपने, ठीक है, ये मल्टीग्राफ नहीं है, यहाँ पे पैरेलल एजेस नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे है ना सर, कहाँ है भाई, बोले सर ये वाला पाथ सी से ए, ए से बी और सी से बी, ये जो है इन दोनों के पैरेलल है। बेटा ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि वन एज हो, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, ज्वाइन बाई मोर देन वन एज, और यहाँ पे बोलता पेयर ऑफ वर्टाइसेस। तो क्या सी और डी, सी और डी ये पेयर ऑफ वर्टाइसेस है, ये पेयर ऑफ वर्टाइसेस है। ठीक है, जब पेयर ऑफ वर्टाइसेस अलाउड टू ज्वाइन मोर देन वन एजेस तब उसको लोग बोलते हैं पैरेलल एजेस। तो सर पैरेलल एजेस कैसे बनेगा, तो भाई जब आप क्या कर दो ना, ये सी और बी और डी को ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये जो एजेस है, ये दोनों एजेस, ये पैरेलल एजेस है, ये पैरेलल एजेस है, मतलब सेम यहाँ पे जो पेयर ऑफ वर्टिस है, यहाँ पे दो एजेस हैं, कम से कम दो एजेस, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल एजेस।
और किसी भी ग्राफ में पैरेलल एजेस अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टी ग्राफ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? मल्टी ग्राफ। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये सब आपके क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे आगे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर कि मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ क्या होता है इन दोनों के अंदर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी लोग, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्या बोलता है? मोर देन वन इज, मोर देन वन इज टू ज्वाइन ए पेयर ऑफ वर्टाइसेस, पेयर ऑफ वर्टाइसेस, द रिजल्टिंग ग्राफ इज कॉल्ड ए मल्टी ग्राफ, इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट ग्राफ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में पे आए हुए क्वेश्चन, सिंपल ग्राफ। आगे भी मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स आएंगे अपने पास वो सिंपल ग्राफ के ही रहेंगे, सिंपल ग्राफ के रहेंगे आपके। ठीक है, ए ग्राफ विथ नो लूप, ए ग्राफ विथ नो लूप एंड नो पैरेलल एजेस, नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ, इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। नो लूप, नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। क्लियर पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहां पे लिया, ये सिंपल ग्राफ है, एबीसी ट्रायंगल बना दिया आपने। यहाँ पे कहीं पर भी सेल लूप नहीं आ रहा, कहीं पैरेलल एजेस नहीं आ रहा। पैरेलल एजेस मतलब सेम पॉइंट तो एजेस से कनेक्टेड हो, जैसे आपने इसको ले लिया फोर वर्टिस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? एक सिंपल ग्राफ है, कहीं पे पैरेलल एजेस नहीं है और कहीं पर आपके सेल लूप नहीं है। इसमें और भी एजेस आप ऐड कर सकते हैं। देखिए सभी लोग, यहाँ पे ए लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, अभी भी पैरेलल एजेस नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट दो एजेस से कनेक्टेड नहीं है, या आपने इसको ऐसे ले लिया, अभी एक एजेस और डाल सकते हैं। ठीक है, इसको डाल दिया, इसको भी डाल दिया, अभी भी ये सिंपल ग्राफ ही है, मल्टी ग्राफ नहीं है, कहीं पैरेलल एजेस नहीं, ऐसा कोई दो पॉइंट नहीं है जो दो एजेस से कनेक्टेड हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और एजेस आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और एजेस नहीं कनेक्ट कर सकते, तो ये बन गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टिस आ रहा है फोर है, और नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे जो आ रही है सिक्स आ रही है। ये आपका क्या हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी, आप दो लाइन को कनेक्ट करोगे ना, आप दो वर्टिस को एजेस से कनेक्ट करोगे आप, तो यहाँ पे मल्टी ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका जो ग्राफ बना है पहला ग्राफ, ठीक है, एजेस थ्री है, नंबर ऑफ एजेस भी थ्री है, नंबर ऑफ वर्टिस भी थ्री है, ये भी आपका सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है। इसमें कोई भी एजेस और ऐड नहीं कर सकते हैं, करेंगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टी ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मल्टी ग्राफ। तो इसको लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, इसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, या ये दोनों मैक्सिमम नहीं, ये सिंपल ग्राफ है, ये दोनों सिंपल ग्राफ बट लेकिन मैक्सिमम एजेस नहीं है, इसमें अभी और कनेक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैं फाइव वर्टिस ले लूं यहाँ पे,
फाइव आर्टिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें यहाँ पर इस सिंपल ग्राफ में, ये भी सिंपल ग्राफ, ये भी आपका क्या है सिंपल ग्राफ, ठीक है। मैक्सिमम एजेस नहीं, ठीक है। मैक्सिमम एजेस का मतलब हो गया कि आप सारे वर्टिस एक दूसरे से क्या हो कनेक्टेड है, कोई भी एक वर्टिस आपस में कनेक्टेड, दो वर्टिस आपस में कनेक्टेड नहीं एजेस के थ्रू, तो उसे मैक्सिमम नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो इसमें इसको और मैं एजेस कनेक्ट करूं, इसमें मैक्सिमम की तरफ लेके जाऊं, यहाँ पे मैक्सिमम की तरफ, तो अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, अभी इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कितने एजेस आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, फाइव यहाँ पे एजेस आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 5 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे जो एजेस आ रही है 10 आ रही है, यहाँ पे एजेस 10 आ रही है, व्हाट इज यहाँ पे 5 है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो यदि आपको यहाँ पे बोला जाए कि आपको क्या करना है कि ये फाइंड करना है कि यदि आपको यहाँ पे गिवन है व्हाट इज दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितनी एजेस यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर में बन सकती हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है यहाँ पर पॉइंट, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन सिंपल ग्राफ, इन सिंपल ग्राफ, ठीक है, विथ एन वर्टाइसेस, विथ एन वर्टाइसेस, विथ एन वर्टाइसेस, ठीक है। तो कुछ लोगों ने आंसर यहाँ पे दे दिया है कि एन माइनस वन गलत है, ये एन सी टू, ओके एन सी टू, तो मैक्सिमम एन सी टू करेक्ट आंसर है सभी का, ठीक है, एन सी टू करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जूम क्लाइंट कौन है भाई, ठीक है, अगली बार से आप लोग जो भी लॉगिन करते हैं सही नाम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज शायद आप यहाँ ना बने रहे। कॉस्मिक, रिनेम करिए, लाइफ में सक्सेस होना तो ईमानदारी जरूरी है, नो ईमानदारी नो वर्क। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर एजेस तो आपने बता ही दिया कि यहाँ पे, चूंकि आपको मालूम है यहाँ पे जैसे 5-4 वर्टेस है, तो हर एक एज आपको क्रिएट करनी है, वन एज आपको बनानी है भाई, तो कितने वर्टेस चाहिए, दो वर्टेस चाहिए आपको मालूम है, ठीक है। दो एजेस मतलब आपको वन एज क्रिएट करना है तो दो वर्टेस आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास एन वर्टेस है तो मैक्सिमम कितने एजेस आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं आउट ऑफ एन। तो आप लोगों ने इसका आंसर दिया यहाँ पर कि सर NC2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि आपको देखिए आपके पास यहाँ पे वन एज क्रिएट करना है तो दो वर्टिस होने चाहिए तभी वन एज बनेगा। अब आप ये देख लीजिए भाई, आपके पास एन नंबर ऑफ वर्टिस है, एन नंबर ऑफ वर्टिस है यहाँ पर,
ठीक है, तो कितनी एजेस यहाँ पर पॉसिबल हैं, कितनी एजेस पॉसिबल। तो आपको मालूम है कि दो वर्टिस आप चूज करते जाइए इसमें से और कनेक्ट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आर पॉसिबल, आर पॉसिबल इन द ग्राफ इक्वल टू एन सी टू। ठीक है, तो एन सी टू क्यों ले रहे हैं यहां पर, कि यहाँ पे मान लीजिए फाइव वर्टिस है, तो आपको ये देखना है कि फाइव वर्टिस में दो दो के कॉम्बिनेशन कितनी बार आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टू यहाँ पे वर्टिस सेलेक्ट हो रहा है किसमें, आउट ऑफ किसमें बोलेंगे एन। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इसका तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है कि फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू क्या लिखते हैं आप लोग, एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन टू इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो आपका रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ पे एन एन माइनस वन बाई टू आ रहा है। क्लियर, यदि एन आप चूज कर लीजिए यहाँ पे एन इक्वल टू फोर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल, नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल फोर, फोर माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे क्या कहा टू इंटू थ्री सिक्स, अभी आपने एग्जांपल से भी सॉल्व किया था सिक्स आया था। सिमिलरली फाइव लेते हैं आप, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल फाइव, फाइव माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू, टू इंटू फाइव इक्वल टू टेन, तो आंसर क्या आएगा टेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब मिस कहानी यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, सभी को फाइंड करनी है यहाँ पर कि हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल विथ एन वर्टाइसेस, हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल विथ एन वर्टाइसेस, विथ एन वर्टाइसेस। ठीक है, आपको बनाना है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम ग्राफ हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर विथ एन वर्टाइसेस, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। मैक्सिमम मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल कितने आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें इस केस में हम लोग यहाँ पे फाइंड करें, ठीक है, पावर टू टू पावर एन सी टू, करेक्ट। तो इसके अंदर में देखो, जिनको नहीं मालूम वो लोग देखेंगे। सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ वर्टेस थ्री है, कितने ग्राफ बना सकते हो थ्री वर्टेस से, तो पहला ऑप्शन है भाई कि नो एजेस, जीरो एजेस, ग्राफ विथ नो एजेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजेस की बात नहीं किया, कितने एजेस होनी चाहिए, एजेस फिक्स नहीं किया इसमें, यहाँ पे वर्टिस फिक्स है भाई, एन वर्टिस, एजेस कितने भी हो सकते हैं, ग्राफ कितने पॉसिबल है, सिंपल ग्राफ। ठीक है, सिंपल ग्राफ, ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पे हम लोग पहला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि ग्राफ विथ जीरो एजेस, ग्राफ विथ जीरो एजेस, कोई एजेस ही नहीं है, जीरो एजेस, तो पहला तो ग्राफ ये बन गया आपका। सेकेंड कॉम्बिनेशन बन सकता है वन एज, वन एज। ठीक है, तो वन एज से कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे भाई, एक ऐसा भी ले लिया हम लोग, एक ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग, और एक ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि तीन, अच्छा वर्टिस फिक्स है भाई, तीन वर्टिस आप कम नहीं रख सकते हैं, तीन वर्टिस आपको रखना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपके पास थ्री वर्टिस हैं और नो एज, एज नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ थ्री पहले आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि थ्री वर्टिस से मैक्सिमम कितनी एजेस पॉसिबल है। ठीक है, उस आउट ऑफ एजेस में से आपको जीरो एजेस क्या करनी है, एट ए टाइम सेलेक्ट करनी है। तभी भी आपने फॉर्मूला निकालना है कि एन नंबर ऑफ वर्टिस है, ये आपका वर्टिस है, नंबर ऑफ वर्टिस है,
तो मैक्सिमम एजेस पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल इन द ग्राफ, इन द ग्राफ इक्वल टू एन एन माइनस वन बाई टू, अभी भी आपने निकाला है सिंपल ग्राफ में, तो थ्री थ्री माइनस वन बाई टू, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया आंसर, थ्री आ गया, थ्री आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो थ्री एजेस है आपके पास, मैक्सिमम आप थ्री एजेस ले सकते हैं ग्राफ के अंदर में अभी, ठीक है, थ्री वर्टेस में। उस थ्री में आउट ऑफ थ्री एजेस में आप जीरो सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो थ्री में जीरो सेलेक्ट किया इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो थ्री फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई थ्री माइनस जीरो, तो थ्री फैक्टोरियल आएगा आपको मालूम है, कैंसिल, तो फाइनली वन कॉम्बिनेशन, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। सिमिलरली इसमें जाओगे आप, आउट ऑफ थ्री में वन एजेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, थ्री सी वन, तो वन सेलेक्टर आउट ऑफ थ्री में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थ्री फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो थ्री इंटू टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया भाई, थ्री हो गया यहाँ पर। सिमिलरली आपके पास नंबर ऑफ एजेस आपने जीरो कर लिया, टू कर लिया, अब टू चूज करिए आउट ऑफ थ्री में, तो आउट ऑफ थ्री में आप चूज करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तीनों ग्राफ सेम है भाई, आइसोमार्फिक है ये तीनों ग्राफ, क्या आइसोमार्फिक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि नॉन आइसोमार्फिक या एस टाइप का, उसको आगे हम लोग देखेंगे कैसे उसके लिए वर्क करते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो थ्री में हम लोग आउट ऑफ टू एजेस, थ्री एजेस है, ध्यान रखिए थ्री एजेस है, वर्टेस नहीं, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, सर यहाँ पे वर्टेस थ्री है, भैया इसका एजेस निकालो तो भी थ्री आएगा मैक्सिमम। तो एजेस में से सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, थ्री एजेस में आउट ऑफ थ्री में टू सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो कितना हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए आप टू फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, थ्री आंसर आएगा। सिमिलरली जब आप थ्री एजेस सेलेक्ट करेंगे सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पर, इस तरह के कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं ए बी सी डी, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखेंगे, सब लेबल नेम कर देंगे ना सभी का तो डिफरेंट दिखेंगे। इसमें आपने क्या किया, थ्री एजेस है, आउट ऑफ थ्री में थ्री सेलेक्ट कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो वन आएगा, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग देखें यहाँ पर, देखें टोटल कॉम्बिनेशन हम लोग देखें यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ इक्वल टू, पहला हमने चूज किया था यहाँ पर थ्री सी जीरो प्लस थ्री सी वन प्लस थ्री सी टू प्लस थ्री सी थ्री, इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद वन प्लस थ्री प्लस थ्री, ठीक है, प्लस वन, तो फाइनली कितना आ रहा है ये एट, एट ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, इससे ज्यादा ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल मतलब नहीं है, सिंपल ग्राफ। सिमिलरली हम लोग इसको जनरलाइज कर लें, इन जनरल फॉर्म में हम लोग देखें यहाँ पर जनरल फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ बनेगा मैक्सिमम, नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ एंड नंबर ऑफ वर्टेस में हम कितना चूज करेंगे, जीरो पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा वन, नेक्स्ट टू कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन, लास्ट एन सी एन, इतने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर पॉइंट, इतने कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हम लोग निकाले, पहला निकाले थे कितने मैक्सिमम एजेस बन सकती हैं, अब उन्होंने यहाँ पे जनरेट कर दिया कितने हम लोग सिंपल ग्राफ बना सकते हैं विद जीरो एज, विद वन एज, विद टू एज, विद एन एज, ठीक, और ये भी एन यहाँ पर, ये एन क्या, वेयर, हाँ एन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ एजेस, कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि एजेस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग कहाँ से सिलेक्ट किए थे, एजेस से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये आपका एजेस मैक्सिमम एजेस, ये मैक्सिमम एजेस से सिलेक्ट कर रहे हैं, जीरो एज सेलेक्ट किया, वन एज सेलेक्ट किया, टू एज सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे एन आपका क्या है, मैक्सिमम एजेस, और मैक्सिमम एजेस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपने भी लिखा हुआ है, एन यहाँ पे क्या है, एजेस, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्टेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्टेस माइनस वन बाई टू, ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे एन को वर्टेस नहीं मानिएगा, ये एजेस है भाई,
ये क्या आपका एजेस है, तो मैक्सिमम इतने यहाँ पे क्या हो रहे हैं निकल रहे हैं, क्या निकल रहा है आपका यहाँ पर एजेस, इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करते हैं 0, 1, 2, n तक जा रहे हैं यहाँ पर। अब क्लियर हो गया होगा सभी को कि क्या वर्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसी का फॉर्मूला बन के आता है जो अभी आपने बताया था, एन सी टू, बहुत से लोग बोल रहे थे 2 to power n c2, ठीक है। तो 2 to power n, ठीक है, तो 2 to power n c2, n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब ये वन एन अलग हो जाएगा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये जो एन है आपका यहाँ पे वर्टेस की तरह काम करेगा, तो इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, मैक्सिमम एजेस, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसको, या इसको मैं नेक्स्ट में बता देता हूँ आपको, नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे लोगों को, ठीक है। मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सभी लोग, यहाँ पे दूसरे तरीके से हम लोग इसके सेकेंड ऑप्शन में जाए हम लोग, ठीक है, निकालना है आपको। तो आपको मालूम है कि हम लोग एन वर्टेस में मैक्सिमम कितने एजेस रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसको देखिए आप लोग, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आपको मालूम है, आपको निकालना है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ। तो आपको मालूम है यहाँ पर यदि हम लोग विथ एन वर्टाइसेस, विथ एन वर्टाइसेस वी कैन हैव मैक्सिमम एन से टू एजेस, इतनी एजेस बन सकती है, इससे ज्यादा एजेस। टू क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक एज बनाने के लिए दो वर्टिस चाहिए हमें, ठीक है, वर्टिस वन वर्टिस टू, तब जाके वन एज क्या होती है क्रिएट होती है। तो एन वर्टिस कितनी एजेस मैक्सिमम बना सकते हैं, एन से टू इतनी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है यहाँ पर कि एनी, ठीक है, एनी सबसेट ऑफ, देख ध्यान सुनिएगा, एनी सबसेट ऑफ दीज These edges define a simple graph. ये क्या बोल दिया आपने? यहाँ पे आपको आपने मैथ से पढ़ा हुआ है सबसेट, जैसे आपको यहाँ पे दो एलिमेंट दिए हैं भाई, तो कितने सबसेट बना सकते हैं आप? 5 बना सकते हैं, दूसरा ओनली ए बना सकते हैं, ओनली बी बना सकते हैं, और ए कॉमा बी निकाल सकते हैं। मतलब कि दो वर्टेस है With no edges, bit one is, bit two is, यही तो लो गया। इसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 to power 2 = 4। सिमिलरली आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर में, और भी कॉम्बिनेशन ले लो भैया, ए बी सी, इसका सबसेट निकालने जाए हम लोग, इसका सबसेट निकालें 2 to power 3 = 8, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन ओनली 5, 0 बिट, मतलब मिथ ग्राफ विथ नो एजेस। सेकेंड पॉइंट Only A, only B, only C. Graph with one is. Next, graph with two is AB, BA. ठीक है, AB या A A AB नहीं, ये नहीं आएगा. AB, AC, BC. तीन combination. और graph with three is. यही तो आया combination. Same चीज यहाँ पे बोलता है. कि बोलता है भैया जो edges बनती है ना maximum, उसका subset निकाल लो. वही आपका क्या हो जाएगा, maximum number of, ये हो जाएगा क्या, सिंपल ग्राफ। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, 2 to power कितने बन सकती है यहाँ पर, इतने एजेस मैक्सिमम, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा पॉइंट। तो इसको हम लोग ए एंड बी को क्या मान रहे हैं, एजेस मान रहे हैं, तो इतने कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसका जो सबसेट, किसका एजेस निकालना है, सबसेट का, सबसेट ऑफ दीज एजेस, दीज एजेस, ये एजेस कितनी है, एन सी टू है, NC2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल 2 to power NC2, ऐसा लिखेंगे आप। यहाँ पे जो n आ रहा है वो नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है बच्चों, वर्टिस है, वहां पे n अलग था, वहां पे एजेस था, एजेस में से सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा n n-1/2। एक ऑप्शन ये भी, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, इसको सॉल्व करने से इतना ही आंसर आता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, वेयर n यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ
वर्टिस इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्टिस इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? अब क्लियर हो गया सभी को पॉइंट? किसी को डाउट है इस वाले पॉइंट में, सेकंड वाले पॉइंट में, ये कैसे आया 2 to power? ठीक है, क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। ठीक है, एकदम वर्ड को पकड़ना सीखिए आप लोग। देखिए बड़े एग्जाम को आप क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड को पकड़िए। वर्ड को पकड़ने से क्या होता है, आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं बस ऐसे पढ़ते गए, हाँ 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 ठीक है ठीक है। हर एक वर्ड पे ध्यान दो, क्या वर्ड लिखा, और मेन वर्ड देखो, पूरा कहानी फालतू है, सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, और यही से हमको यहाँ पे फिर मैथ्स में चले जाओ, वहां से आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए सभी लोग क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि हाउ मेनी सिंपल ग्राफ, हाउ मेनी सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल विथ फाइव वर्टाइसेस एंड थ्री एजेस, फाइव वर्टाइसेस एंड थ्री एजेस। अब देखो इसमें कहानी इसने चेंज कर दी भाई, इसने फिक्स कर दिया क्या कि फाइव वर्टिस होने चाहिए और थ्री एजेस होने चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, इस पे रिलेटेड नहीं है इससे। क्यों? इसमें तो मैक्सिमम हम सिंपल ग्राफ निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 एज 1 एज 2 एज 3 एज तक जा सकता है। यहाँ बोलता नहीं भाई, सिर्फ उतने ही कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें फाइव वर्टिस हो और थ्री एजेस हो। वर्टिस फिक्स और एजेस भी फिक्स है यहाँ पर, यहाँ पे 0 एज 1 एज 2 एज नहीं ले सकते। यहाँ पे सिर्फ वही सेट लेने जो सबसेट का सेट आएगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करना है तो पीछे की कहानी में चले जाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन से बन जाएगा, इस वेराइटी से। यहाँ पे देखो इसने क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा था 3C0, 3C0 इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ विद 0 एज, ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ विद 1 एज, ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ विद 2 एज, और ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ विद 3 एज। क्लियर पॉइंट? इस तरह से चल रहा है, इसी प्रॉपर्टी को वहां पे यूज करो आप। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम एजेस कितनी बनेंगे, और उनमें से फिक्स करना पड़ेगा भैया कितने का ग्राफ बनाना, 2 एज 3 एज 1 एज 0 एज। इसी को फॉलो करिए, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए आप लोग, यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यहाँ पे, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस निकालने, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फाइंड करनी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपको मालूम है, नंबर ऑफ वर्टिस इनटू नंबर ऑफ वर्टिस -1/2, इसको याद कर लीजिए आप। नंबर वर्टिस गिवन 5, तो 5 -1/2 कितना आ गया, ये 2, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, ये आपका आंसर आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल 10, ये आपका आंसर है। लेकिन उसमें से उस आउट ऑफ 10 में ओनली सेलेक्ट 3, तो नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ, नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ पॉसिबल विथ 3 एजेस इक्वल टू, कितने एजेस यहां पर पॉसिबल है भाई, 10 में से आप कितने सेलेक्ट करें, ओनली 3, तो 10C3, ओनली 3, ये फिक्स है। ये क्वेश्चन इस पे नहीं जाएंगे आप, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दिया इसने यहाँ पर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म आपकी। ठीक है, 3 × 7 सब तो आपको आता है, ये कैसे सॉल्व करना है, सभी इंजीनियर्स हैं सबको मालूम है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 2, ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 3, 3 × 4 = 12 × 10 120 आ रहा सभी का आंसर, 120। देखिए सब लोगों ने आंसर दे दिया यहाँ पर, 20 20 20, बिल्कुल करेक्ट, सही आंसर है। तो विजुलाइज हो रहा है सभी को यहाँ पे, क्लियर हुआ कैसे मैंने इसको बनाया यहाँ पर? तो कंसंट्रेट करना है आपको, जो सिलेक्शन लेना है वो एजेस से लेना है।
ठीक है, नहीं बहुत सारे लोग क्या फाइव वर्टिस में से तीन सेलेक्ट करने लगते हैं, भाई कैसे वर्टिस सेलेक्ट कैसे करोगे आप, तो एजेस पहले निकालिए आप, ठीक है। और इसके लिए जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में जाइए, उससे आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, देखिए सभी लोग क्या दिया है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ ऑफ ऑर्डर फोर। तो भाई अभी मैंने बताया, आज ही बताया आपको कि ऑर्डर फोर का मतलब क्या है। ऑर्डर फोर, ऑर्डर ऑफ ग्राफ आपको मालूम है, ऑलवेज इंडिकेट नंबर ऑफ वर्टिस फोर, ठीक है। और मैक्सिमम बोल रहा है भाई, मैक्सिमम का मतलब होता है यहाँ पर कि अभी अभी आपने देखा यहाँ पर कि आपको ये देखना है कितने बिट जीरो एज, बिट वन एज, बिट टू एज, बिट थ्री एज, कितने ग्राफ बनेंगे। और दूसरा, दो तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है, सेकेंड कहानी से ही बना सकते हैं और फर्स्ट कहानी से बना सकते हैं। एनी सबसेट ऑफ दीज एजेस डिफाइन एज सिंपल ग्राफ, ठीक है, तो टू टू पावर नंबर ऑफ एजेस, इससे आप खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ इक्वल टू 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 पावर नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम, ठीक है। तो टू टू पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिस का फॉर्मूला क्या है भाई, इनटू इन सिंपल ग्राफ बाय टू, ठीक है। और टू टू पावर आपको दिया है फोर, फोर माइनस वन बाई टू, तो टू हो गया, टू टू पावर टू इन टू थ्री कितना होता है सिक्स, सिक्सटी फोर, टू टू पावर सिक्स, सिक्सटी फोर आ रहा है क्या सबका, चेक करो कहीं गलती तो नहीं हुई है, करेक्ट है, सभी का आ रहा है, सेम आ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये आपने इसको भी हैंडल कर लिया आपने, तो हमेशा ध्यान रखिए ये क्या इंडिकेट करता है भाई, ये इंडिकेट करता है सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ क्या इंडिकेट कर रहा है, एजेस, और सबसेट का वर्ड आया तो टू टू पावर के, ये आपको ध्यान रखना है। और के, वेयर के क्या होता है, वेयर के इज नंबर ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट एज हो सकता है, वर्टिस हो सकता है, सिंपल नंबर्स हो सकते हैं, उसी से फॉर्मूले से आप बन जाएगा आपका, ठीक है, ये भी सभी से बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैरायटी मिल रही है, आपको सिर्फ वर्टिस दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे बोला जाए सिंपल ग्राफ, और दूसरी वैरायटी यहाँ पे मिली नहीं, आपको वर्टिस भी दिया, आपको एजेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला आपने निकाल के बैठ गए, आप लोग निकाल के बैठे हैं यहाँ पे, इसकी टू टू पावर नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो कहानी है, मान लो आपसे यहाँ पे थर्ड कहानी आपसे बोला जाए कि हाउ मेनी सिंपल ग्राफ, हाउ मेनी सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल विथ एन वर्टाइसेस एंड एम एजेस। नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखिएगा आप लोग, जिनके पास आईडी नहीं बनी है बनवा लें, अगली बार से मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा आपको कि हमको ये दे दो हमको वो दे दो, ठीक है। ग्रुप में अपना आईडी भेज दीजिए, वहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये 10 मिनट पहले आइए, और 10 मिनट के बाद आप आके यहाँ पे ये व्हाट्सअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, ठीक है, या तो मैं दिमाग लगाऊँ पढ़ाने में, या तो ये सब नौटंकी में करते रहूँ बैठ के यहाँ पे डेढ़ घंटे तक, ठीक है। नहीं सीरियस है, आराम से सोइए, सुबह उठने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा काम जो आप लोग करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैसेज गया आपको, तो आप अपने दोस्तों को भी कुछ लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, होशियारी में, ठीक है, तो वो भी करना बंद करिए, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं आईडी देना ही बंद कर दूंगा आपको, ठीक है, और ज़्यादा नौटंकी करेंगे ज़्यादा दो चार क्लासेज में मिस कर दूंगा, तो सब पूरा दिमाग सही हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सीरियस रहिए चीज़ों को लेकर,
मुझे कोई नुकसान नहीं, नुकसान आप ही का होगा। और ये सब ना अभी नहीं पता चलेगा, अभी तो गेट का रिजल्ट आएगा ना तो पूरा नौटंकी निकल जाएगी, पूरा हवा निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाइफ में। इसलिए थोड़ा सीरियस रहिए, टाइमली आइए, टाइमली ज्वाइन करिए, तो अपने से ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये समाज सेवा में लग जाते हैं लोग, भाई लोग, और एक्चुअल नाम से आइए कि हाउ मेनी सिंपल ग्राफ आर पॉसिबल विथ एन वर्टाइसेस एंड इमेजेस, बनाइए सब लोग। CNCCM, ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। अभी आपने इसको ना इस एग्जांपल से सॉल्व कर लेंगे तो और इजिली मिल जाएगा आपको, ये एग्जांपल से यहाँ पे आपने क्या निकाला, 10C3, तो 3 आपको गिवेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे एम एजेस दिया हुआ है, इसको जनरलाइज करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे आपको एन वर्टेस दिया है भाई, एन वर्टेस दिया, तो मैक्सिमम एजेस यहाँ पे निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे एम है, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही है, ठीक है। तो कभी घबराइए नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा जा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक याद करके रखो आप लोग कि क्या बेसिक था। तो हमें क्या निकालना है भाई कि हाउ मेनी सिंपल ग्राफ पॉसिबल, ठीक है, मैक्सिमम ग्राफ निकालना है आपको। तो आप सबसे पहले, आपको मालूम है कि जब भी आप ग्राफ निकालते हैं तो मैक्सिमम एजेस निकालते हैं, और मैक्सिमम एजेस का होता है फॉर्मूला NC2, बिल्कुल करेक्ट है। और नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ जब आप निकालने जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ, ठीक है, क्या निकाले थे यहां पर, मैक्सिमम एजेस सी, क्या था आपका नंबर ऑफ एजेस एम, ये फॉर्मूला कि यहाँ पे फिक्स है भाई, इससे कम एजेस नहीं ले सकते, इससे ज्यादा एजेस आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिंपल ग्राफ आपको मालूम है बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ, अब इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक। और यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इस केस में यहाँ पे, तो क्या आ रहा है, एन सी टू सी एम, ठीक है, ये आ रहा सभी का आंसर। इतने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे आपके, इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि n n माइनस वन बाई टू सी एम, और सॉल्व कर लिया आपने। n यहाँ पे ध्यान रखिएगा, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेस, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और m यहाँ पर आपको दिया है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, सभी लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि इसकी कहानी इसलिए लोग पहले एग्जांपल सॉल्व कर लिए थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सभी का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को सिंपल ग्राफ के बारे में यहाँ पर, कि सिंपल ग्राफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक वर्ड और यहाँ पे उसको भी सीख लेते हैं यहाँ पर, कि हम लोग डिग्री निकालते हैं, डिग्री ऑफ क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, वर्टिस, यदि हम लोग निकालें तो डिग्री ऑफ वर्टाइसिस क्या होता है, डिग्री ऑफ वर्टिस, तो डिग्री ऑफ वर्टिस आप डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों में निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टिस अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखें, तो ये इंडिकेट करता है कि एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है, कितने नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे क्या है कनेक्टेड है, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू एनी वर्टेस इज कॉल्ड डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इन ए नॉन डायरेक्टेड, इन ए नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, इन ए नॉन डायरेक्टेड ग्राफ डिग्री ऑफ वर्टेस V इक्वल टू डिग्री ऑफ V, इसको डिनोट करते हैं लोग डिग्री ऑफ V, इज डिफाइंड
is defined as number of edges. Defined as number of edges. Incident bit V. ठीक है, दूसरे वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ V इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू वर्टिस. कितनी एजेस यहां पे कनेक्ट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिया मैंने, ये आपके पास वर्टिस है, ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया. यदि यहां पे लोग डिग्री ऑफ ए निकालें तो थ्री आएगा, वन टू थ्री. डिग्री ऑफ बी निकाले यहां पर तो यहां पे देखिए एक दो दो आएगा. डिग्री ऑफ सी निकाले यहां पर तो थ्री आएगा, और डिग्री ऑफ डी से खेले हम लोग तो टू आएगा. टोटल डिग्री सम निकाले हम लोग, सम ऑफ डिग्री निकाले यहां पर, सम ऑफ डिग्री ऑफ वी आई, तो टोटल आ रहा है यहां पर फाइव प्लस फाइव टेन. ठीक है, और ये सम ऑफ डिग्री का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, बहुत से लोग पढ़ चुके हैं पहले, ऑलवेज इक्वल टू टू इंटू नंबर ऑफ एजेस, टू इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, ऑलवेज सम ऑफ डिग्री. तो टू एजेस देखो कितने, एक दो तीन चार पांच, लेकिन किसके लिए, फॉर सिंपल ग्राफ, फॉर सिंपल ग्राफ. ठीक है, क्या ये मल्टी ग्राफ के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको आप फाइंड आउट करिएगा. इसको भी ये आज का टॉपिक नहीं, ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको और प्रूफ करेंगे इसके बारे में. ठीक है, इसको आगे हम लोग प्रूफ करेंगे. किसी का आंसर आया है, देख लेते क्या बोला इन्होंने, होगा. ठीक है, चलिए तो आगे भी ये टॉपिक आज का नहीं, ये टॉपिक अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे सम ऑफ डिग्री के बारे में, तब देखेंगे. तो मैंने ऐसे बता दिया, अभी हमारा मेन टॉपिक है डिग्री ऑफ वर्टिस. सिमिलरली यदि हम लोग यहाँ पे लूप ले लें बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपने सेल लूप ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी ले लिया, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, तो यदि यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ ए निकालें तो टू आएगा, डिग्री ऑफ बी निकालें तो टू आएगा, और डिग्री ऑफ सी निकालें तो फोर लेंगे आप लोग. एक दो, ठीक है, तीन चार, इसको दो काउंट करते हैं हमेशा कि दो एजेस यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, ठीक है, तो फोर काउंट करेंगे, और डायरेक्टेड होगा तो इन और आउट देखते हैं, वहां पे अलग कहानी है इसकी, देखते हैं आगे, तो टू होगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल जो आ रहा है आपका सम ऑफ डिग्री वी आई इक्वल टू टेन, अभी भी यहाँ पे टेन आ रहा है. तो ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यदि आपका लूप है तो यहाँ पे जो डिग्री आप काउंट करेंगे ऑलवेज टू काउंट करेंगे. तो पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ ए लूप एट वर्टिस इज कनेक्टेड एज टू एजेस. इसलिए हम लोग जब भी डिग्री ऑफ सेल लूप देखते हैं फिर इस उसको हमेशा टू काउंट करते हैं. किस केस में, अनडायरेक्टेड के केस में, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. दूसरा जो पॉइंट यहां पे आता है, एक वर्ड आता है कि ए वर्टिस बिट डिग्री जीरो इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टिस. ठीक है, जीरो डिग्री, जैसे एग्जांपल आपने लिया इस तरह से, ये सभी क्या आइसोलेटेड है. ये आपने एग्जांपल लिया यहाँ पे, इस तरह से लिया आपने यहाँ पे लिया, ये आइसोलेटेड. ठीक है, तो आइसोलेटेड वर्टिस है यहाँ पे. तो ये आपको एक वर्ड और यूज होता है जिसको लोग बोलते हैं पेंडेंट वर्टिस. ठीक है, क्या बोलता है पेंडेंट में, ए वर्टिस विद डिग्री वन is called pendant vertex. जिसकी डिग्री वन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आपका पेंडेंट वर्टिस है, ये आपका पेंडेंट वर्टिस है.
डिग्री वन, डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री टू, तो जितने भी डिग्री वन वर्टेस उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंडेंट वर्टेस। और भी एग्जांपल ले सकते हैं क्या, एक ग्राफ के अंदर में पेंडेंट और आइसोलेटेड दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये आपका है पेंडेंट वर्टेस, पेंडेंट वर्टेस, और ये आपका क्या है यहाँ पर, आइसोलेटेड वर्टेस, आइसोलेटेड वर्टेस। लेकिन आइसोलेटेड वर्टेस जब भी प्रेजेंट रहेगा तो ग्राफ हमेशा क्या डिस्कनेक्टेड होगा? क्वेश्चन ऐसे ही बनते भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, क्या वो सारे ग्राफ डिस्कनेक्टेड होंगे जिसमें आइसोलेटेड वर्टेस प्रेजेंट होगा? क्या बोलेंगे, यस ऑलवेज ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू? कोई ऐसा जो बोले नहीं सर, नो नॉट ऑलवेज, यस नो, अभी देखें नो आने लगा, यस ग्राफ भी तुमन वर्टेस, यार ग्राफ भी तुमन वर्टेस है तो क्या डिस्कनेक्टेड है? ग्राफ विथ ओनली वन वर्टेस, नंबर वर्टेस वन, नंबर एजेस जीरो, ट्रेवियल ग्राफ, बिल्कुल समझ में आ रहा पॉइंट यहां पे? तो क्या आंसर आया, अब क्या बोलेंगे, यस और नो? ऑलवेज की बात कर रहा हूं, ऑलवेज, ठीक है। तो बिल्कुल बारीकी एकदम छोटी चीज है ना, लेकिन बारीकी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तुरंत आंसर मत दीजिए, सोच के दीजिए, ऐसे ही होता है, सिली मिस्टेक किसी को बोलते हैं, आते हुए भी गलत कर गए। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है, आपका ग्राफ डायरेक्टेड है तो उसमें भी कैसे आप काम करेंगे यहाँ पे? इन्हें डायरेक्टेड ग्राफ, इन्हें डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग इन डिग्री और आउट डिग्री देखते हैं भाई, ठीक है, जैसे इनकमिंग एजेस एंड आउटगोइंग एजेस। तो जैसे इन डिग्री ऑफ वी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री प्लस ऑफ वी, और आउट डिग्री ऑफ वी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री माइनस ऑफ वी, ठीक है। ये इंडिकेट करता है भाई कि नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, और ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस, आउटगोइंग एजेस, नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस, इस पे डिपेंड करता है ये। सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लिया, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ए बी सी एंड डी लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप लोग, यदि आपको यहां पे इन डिग्री फाइंड करनी है ए की, तो नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस देखेंगे तो कितना आ रहा है, वन, सिर्फ ये इनकमिंग है, ये तो आउटगोइंग है। सिमिलरली बी के निकालना है, इनकमिंग जीरो है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे सी को देखें हम लोग, इनकमिंग ओनली वन है, और डी को दिखा ले हम लोग यहाँ पे, डी में जाइए आप लोग, इनकमिंग एक दो तीन चार फोर है, इसको फाइव नहीं लेंगे, क्यों? ये आपका एक इन इन आउट होगा और एक आउट आउट होगा, ये आपका आउट है और ये तुम्हारा इन है, हमें इन निकालना है, इनमें वन टू थ्री फोर इसको लेंगे, एक आउट। जब आप डायरेक्टेड ग्राफ होता है और ये लूप है, सेल लूप है, ठीक है, तो इन डिग्री जो होती है आपकी यहां पर वन होती है, और डिग्री भी हम लोग क्या लेते हैं यहां पर, वन लेते हैं, तो वन प्लस वन टू हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यदि हम लोग यहां पे जाएं आउट डिग्री में जाएं, तो आउट वन हुआ यहां पे, बी में जाए तो आउट तीन हुआ यहाँ पर, एक दो तीन, और सी में जाए तो वन हुआ, ये ओनली वन आउट, और भाई डी में जाए तो ओनली वन आउट, सिर्फ ये आउट हो, बाकी सब इनकमिंग में है, चार,
ठीक है, इसको हम लोग टोटल ऐड करें कितना हो जाएगा भाई, ये सिक्स। इसको भी टोटल ऐड करते भी कितना हो जाएगा, सिक्स। ठीक है, अब जितनी इनकमिंग है उतनी क्या है आपकी आउटगोइंग है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं आउट डिग्री और इसको बोलते हैं हम लोग इन डिग्री, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो नोट यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास सर लूप आएगा यहाँ पर, तो इन ए डायटेग्राफ, इन ए डायटेग्राफ ए लूप एट ए वर्टिस इज कनेक्टेड एज वन इज, कनेक्टेड एज वन इज फॉर बोथ इन डिग्री एंड आउट डिग्री, इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ दैट नोट। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। ठीक, कुछ और भी पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उनको भी देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं अपने पास सिंपल ग्राफ के अंदर में नोट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, इन ए सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस, विथ एन वर्टाइसेस डिग्री ऑफ एनी वर्टिस कैन नॉट एक्सीड एन माइनस वन, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, किसी भी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आपने कोई भी एग्जांपल लेके देखो भाई, मैक्सिमम कितनी एजेस रख सकते हो आप? ठीक है, मैक्सिमम जैसे फोर है तो सिक्स रख सकते हो, तो इसकी डिग्री मैक्सिमम थ्री, मैक्सिमम थ्री, मैक्सिमम थ्री, मैक्सिमम थ्री। आप बोले सर पैरेलल एजेस बना दूंगा, तो भाई मैं तो सिंपल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मल्टी ग्राफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, सिंपल ग्राफ की बात कर रहा है। वर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग, सिंपल ग्राफ के अंदर में मैक्सिमम किसी भी वर्टेक्स का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, एन माइनस वन, इससे ज्यादा कभी पॉसिबल है ही नहीं। जैसे आप बोलते हैं यहाँ पर सर मैं तीन वर्टेक्स लेते हैं, ये सिंपल ग्राफ है, इसमें देखो डिग्री कितनी आ रही है, मैक्सिमम टू टू टू। आप फाइव लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइव ले लेते हैं, हम लोग फाइव ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी, फोर आएगी, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। अब क्लियर हो गया सभी को, इससे ज्यादा लेने जाएंगे तो सिंपल ग्राफ ही नहीं रहेगा वो। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, मल्टी ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन ए डायक्टोग्राफ एन इज यू कॉमा बी इज सेट टू बी, इज सेट टू बी इंसिडेंट फ्रॉम U, incident to V, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास दो वर्टेस, ये U है और ये V है, तब कहां से एजेस निकल रही है, फ्रॉम U, और कनेक्ट कहां पे हो रही है, फ्रॉम टू V, तो U टू V, ठीक है? तो इसको बोलते हैं फ्रॉम U, इसको बोलते हैं फ्रॉम V। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को? ठीक है, तो इसको हम लोग जहां से निकल रही है इसको हम लोग आउट में काउंट करेंगे, इसको इन में काउंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से हम लोग आउट और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मेन पॉइंट्स है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट सभी को? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, जो कि भी मैथ्स के भी क्लास है आप लोगों की, तो आधे घंटे में आप लोग फ्रेश हो लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। वन